नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ वंदना सरोही। आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां लगातार चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम दिग्गजों का दौरा भी लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालांकि कई उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी भी पत्ते भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं खोले। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ का जो स्थानीय संगठन है वो अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कुछ खास तैयारी नहीं कर पाया है। इस बीच जब अमित शाह का भी दौरा अचानक से जयपुर का हुआ और जेपी नड्डा भी उनके साथ गए, तो आधी अधूरी तैयारियां उन्होंने वहां पर देखी और उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ भी हुए, क्योंकि संघ के साथ भी वहां उनकी मीटिंग होनी थी। ये कहा जा रहा था कि जो प्रत्याशियों की लिस्ट वहां पर तैयार हुई होगी उसके बाद संघ से उसमें चर्चा करेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर मंथन होना था, लेकिन ये सब चीज़ें अधूरी रह गई हैं। हालाँकि बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग आज होने वाली है, उसमें ये माना जा रहा है कि मोहर प्रत्याशियों पर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है, एक तो वसुंधरा राजे को एक तरीके से अलग थलग किया जा रहा है। वो तस्वीरों के जरिए बार बार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ था, पीएम मोदी जब वहाँ सभा करने के लिए पहुँचे थे, तब वसुंधरा राजे एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन उन्हें संबोधन करने का मौका नहीं मिला था। वसुंधरा राजे हालांकि दो बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बड़ा कद है उनका, महिलाओं में खासी लोकप्रिय है और खुद को वो छत्राणी की बहू कहती हैं कि गुजरों की वो समधन है। इसके अलावा वो जाटों की बहू खुद को बताती हैं, यानी जातिगत जो फैक्टर्स हैं उनका भी ख्याल वो रखती हैं और उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग थलग दिखाई दे रही हैं और उतना मौका, उतनी तवज्जो उनको नहीं दी जा रही जितना कि उनका कद है। साथ ही एक और नई टेंशन यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के लिए हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक परिवार और एक टिकट का जो फॉर्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अप्लाई करने वाली है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में भी कई नेताओं के जो टिकट हैं वो कटे हैं, कई दिग्गजों को भी दरकिनार किया गया है और राजस्थान में भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपने परिवार के ही सदस्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जब अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुँचे थे राजस्थान, तब वसुंधरा राजे की ओर से भी कई अपने समर्थकों के लिए, कई अपने ऐसे कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने मांग की थी कि उन्हें टिकट दिया जाए। और ख़ासतौर से वसुंधरा राजे और खुद उनके बेटे दुष्यंत राजे को लेकर भी, क्योंकि लंबे समय से दोनों राजनीति में सक्रिय हैं। 2003 से लगातार सीएम राजे, जो कि पूर्व सीएम वहाँ पर रही हैं, उनका दबदबा है। 2003 से लगातार वो विधायक हैं, उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह वो 2004 से लगातार विधायक हैं। लेकिन अब जब एक सीट और एक परिवार का जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है पार्टी की ओर से, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे को टिकट दिया जाता है या उनके बेटे को दिया जाता है। और ऐसे और भी तमाम नाम हैं जो राजस्थान में इन दिनों चर्चा में हैं। एक और चीज़ की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में भी बीजेपी की ओर से ये फॉर्मूला हो सकता है कि जो सांसद हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। हालांकि इस बात पर कई सांसद नाराज़ भी दिखाई दिए, उनका ये कहना है कि उन्हें तो चुनाव लड़ाना था लेकिन उन्हें खुद ही मैदान में लड़ने के लिए उतार दिया गया है। इस फॉर्मूले को लेकर भी हालांकि विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासी हलचल वसुंधरा राजे को लेकर दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर भी क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये साफ संदेश दे दिया गया है कि कमल ही उनका चेहरा है और इस वक्त फोकस सबको इस बात पर करना है कि कैसे पार्टी को जीत दिलाई जाए और मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में ही अनाउंस किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला कितना हिट होगा और जो राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है उसमें किस किस का नाम शामिल होने वाला है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।